आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के ग्राम इब्राहिमपुर में शफीक पुत्र मोहम्मद इकबाल पर दबंगों ने प्रधानी की पुराने रंजिश को लेकर दरवाजे पर पहुंचकर उन पर जानलेवा हमला किया, गाली गलौज की, धारदार हथियार से सर पर हमला कर दिया जिससे शफीक का सर फट गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर गाँव वाले पहुंचे तो दबंग वहां से फरार हो गए। घर वालों ने 100 नंबर डायल किया, पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस साथ ही सचो अहिरौला ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शफीक। ग्राम कौन सा आपका? इब्राहिमपुर। थाना अहिरौला। क्या हुआ है आपके साथ? आप 3 दिन से सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्या हुआ आपका? मेरे साथ ये हुआ कि जैसे कुछ दबंग किस्म के आए हमारे दरवाजे पीट रहे थे। मैं सो रहा था अंदर और बाहर निकलने के बाद देखे तो मेरे साथ गाली गलौज करने लगे, हाथापाई करने लगे। अच्छा, कब आए? शाम को की दिन में? कब आए? करीब 4:30-5 बजे। हाँ, फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे हुआ कि मारपीट में नौबत आ गई, मारने लगे। फिर उसके बाद पीछे से कोई लाठी से मुझे क्या वजह थी आया और आपको मारने लगे? पुरानी कोई रंजिश थी? चुनावी रंजिश थी, चुनावी की वजह से। क्या चुनावी रंजिश? क्या आप प्रधानी में खड़े थे क्या? जी, मैं प्रधान पूर्व प्रधान था और माता जी अपनी मतलब चुनी गई। अच्छा, यानी आपकी माता जी जीती हैं? आपकी जी, अपनी मतलब माता जी जीती। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे ये हुआ कि मैं बेहोश पड़ा था, भैया सत्ते से भाग के आए हैं तो वहाँ पे गाँव वाले पूरे चुके हैं, गाँव वाले सब देखे हैं वहाँ पे। तो आपने पुलिस को कॉल नहीं किया? पुलिस को नहीं बताया? मैं बताएं, मारपीट होने के बाद मैं बेहोश हो गया तो फिर भाई साहब हमारी छत पर उतर के आए तो गांव वाले जुटे। गांव वाले जुटने के बाद वहां पे देखे तो गाड़ी उनकी गाड़ी छोड़ के भाग गए थे। अच्छा। गाड़ी तोड़ के मतलब गांव वाले जुटे और गाड़ी तोड़ फोड़ कर दिए। फिर उसके बाद हमें एसओ साहब पहुंचे वहां पे मौके पे। अच्छा, 1-1.5 घंटे बाद एसओ साहब पहुंचे। फिर उसके बाद बोले कि थाने पे चलिए तो थाने पे गए हैं। थाने पे जाने के बाद वहां पे बोले कि जाके आप ट्रीटमेंट करवा लो, पहले पट्टी करवा लो, फिर आओ, मैं FIR कर रहा हूँ। FIR भी नहीं हुआ था वहां पे। तो आप थाने पे गए थे तो क्या एसओ साहब क्या बोले? एसओ साहब कुछ नहीं बोले, वहां पे बोले कि एक एप्लीकेशन दो। तो मैं एप्लीकेशन दे रहा था तो मैं बोले कि प्राइवेट में जाके करवा लो। मैं एप्लीकेशन दे रहा था, एप्लीकेशन फाड़ मतलब फेंक दिए। कौन फाड़ दिए? वहाँ पे कोई था, वहीं बोले कि ये एप्लीकेशन नहीं चलेगा। फिर तो बोले कि नया एक एप्लीकेशन लिख के दो। फिर अपने ही मन मुताबिक एप्लीकेशन लिखा गया वहाँ पे। फिर उसके बाद हम जबरदस्ती साइन किए, फिर करवा के फिर हम लोग आ गए यहाँ पे। अच्छा, मुझे कुछ ज्यादा होश नहीं था। अच्छा, आप बेहोश हो गए थे क्या? जी, मैं बेहोश हो गया था। अच्छा, और बार बार मुझे मारने की धमकी भी मिल रही थी। कौन दे रहा था? मतलब वही सब जो मार के गए, बोल रहे कि आपको बाद में मिलेंगे आपके। क्यों, आपने एसओ साहब की शिकायत नहीं दी? लिखी मैं बोला कि एप्लीकेशन में नहीं लिखे था एसओ साहब। आपके साथ कोई घटना घटती थी, जिम्मेदार वही लोग होंगे? जी, बिल्कुल वही। अच्छा, आप फिर से बता दीजिए, ग्राम कौन सा आपका है? ग्राम इब्राहिमपुर है। और थाना? थाना अहिरौला है। और तहसील? तहसील निजामाबाद। आपका नाम? मोहम्मद शफीक। पिता का? मोहम्मद इकबाल। पीड़ित को स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल कराने के लिए भेजा, जहां सर फटने की वजह से पीड़ित को आजमगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल एक्सप्रेस।